हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है और बच्चों इससे पहले आपने पार्ट सेकंड पढ़ा था और आज हम पार्ट थर्ड को पढ़ेंगे। और बच्चों, आर्मी में जीडी और क्लर्क में जैसे गणित से क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक, आम का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, यदि इसमें 10% की कमी कर दी गई तो नया मूल्य क्या होगा। तो देखिए, आम का मूल्य 20 रुपए है, और देखिए कितने की कमी कर दी गई, 10% की कमी, 10% कमी। तो देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे, तो देखिए 10/100, 10 × 10, 10 × 100, और देखिए कमी कर दी गई तो माइनस। तो देखिए ये हमारी मूल होती है, मूल ओरिजिनल, मूल। तो देखिए ओरिजिनल और न्यू, तो देखिए माइनस हो गया, तो देखिए कितना आ जाएगा, 9/10। तो देखिए 10 और कमी कर देने के बाद 9। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है आम का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम है और नया मूल्य पूछा है 20 रुपए, तो देखिए 20 रुपए। तो देखिए 10 से 20 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी हमें, तो देखिए 2 से, 10 × 20, तो देखिए यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 × 18, यानी 18 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नया मूल्य कितना है, नया मूल्य क्या होगा, 18 रुपए। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक लड़के ने अपने कुल प्राप्तांक को 15% बढ़ाकर अपना कुल अंक 575 बताया, विद्यार्थी के मूल अंक कितने थे। तो देखिए 15% बढ़ाकर कितना बताया, 575 बताया। तो देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 5 × 3 = 15 और 5 × 20 = 20, और देखिए बढ़ाकर तो प्लस का निशान हो जाएगा और कमी बोलता तो माइनस का निशान हो जाता। तो देखिए ये हमारी ओरिजिनल यानी मूल वैल्यू होती है। तो देखिए बढ़ाकर तो 20 और 20 में 3 प्लस कर देंगे तो 23/20। तो देखिए ओरिजिनल न्यू, तो देखिए ओरिजिन कितना 20 और न्यू 23, और देखिए क्वेश्चन में बोला है बढ़ाकर अपना कुल अंक 575 बताया। तो देखिए बढ़ाकर 575, तो देखिए 23 से 575 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी हमें, तो देखिए 23 × 46, और देखिए 46 और 7 × 4 = 11 और 1 ये 5 उतार लिया, और 23 × 5 = 115, यानी 25 से मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए यहां भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
तो 25 दुनी 50 और एक ये जीरो, तो मूल अंक कितने थे 500। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन को 20% कम बताकर 6000 रुपए बताता है, तो व्यक्ति का मूल वेतन कितना है। तो देखिए 20% कम बताकर, तो देखिए 20% कम बताकर छह हजार रुपए बताता है। तो देखिए अब 20% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, तो देखिए 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, और देखिए कम बताकर, तो देखिए माइनस, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो देखिए ये हमारी ओरिजिनल यानी मूल वैल्यू होती है, तो देखिए 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4/5, तो देखिए ओरिजिनल न्यू, तो देखिए ओरिजिनल 5 और माइनस के साथ जो देखिए तो कितना हो जाएगा 4, कमी होगी तो 4 हो गया। और देखिए 20% कम बताकर कितना बताया 6000 रुपए, 6000 रुपए। तो देखिए 4 से 6000 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी हमें, तो देखिए 1500 से, देखिए 2 जीरो ही यहां आ जाएंगी, और देखिए 1500 का 60, तो देखिए यहां भी 1500 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखिए 2 जीरो ही आ गई और 15 × 75 यानी 7500 रुपए, ये हमारा ओरिजिनल यानी मूल वेतन हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, तो मूल वेतन कितना है 7500 रुपए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक कंप्यूटर का मूल्य 25000 रुपए से घटकर 24875 हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए 25000 और 25000 से घटकर कितना हो गया 24875, 24875। तो देखिए कितना कम हो गया, देखिए 25000 से 24875 में देखिए कितने का डिफरेंस आया 125 का, तो देखिए 125, और देखिए किससे कम हुआ 25000 से, तो 25000, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी है, और देखिए 25 से 10 बार और 25 से 5 बार, तो देखिए 5/10, तो देखिए कितना हो जाएगा 0.5, तो देखिए कितना परसेंट, कितने प्रतिशत की कमी हुई 0.5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, खर्चा परिवर्तन रहने पर खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। तो देखिए, R बटे 100 प्लस R गुणा 100। तो देखिए हम इसको लगा देंगे इसमें, तो देखिए 25% की वृद्धि, तो देखिए 25 और देखिए 100 और 25 125 और गुणा 100। तो देखिए 25 पंजे 125 और 5 से 20 बार, तो 20% ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, या तो आप देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब भी वृद्धि बोलेगा तो हम नीचे ही 100 में प्लस करेंगे, अगर कमी बोलेगा तो नीचे ही हमें माइनस करना होगा 100 में से। तो बस इस बात को ध्यान रखिए, अगर वृद्धि बोलता है तो 100 में प्लस कर देंगे और कमी बोलता है तो 100 में माइनस को कर देंगे, करना है हमें नीचे ही। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे, तो कितनी कमी करनी चाहिए, 20%। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पूर्ण 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए 20% की वृद्धि, देखिए 20% की वृद्धि, तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे। देखिए 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, और वृद्धि होगी तो प्लस का निशान, 5 और 1 6/5, यानी 5 और 6। देखिए यहां लिख देता हूं 5 और 6। पहले अब, और देखिए फिर 20% की बना लेंगे तो 1/5, फिर वही सेम होगा और वृद्धि है तो प्लस का निशान, यानी 6/5, तो 5 और 6। तो देखिए 6 6 36 मल्टीप्लाई हो जाएगी और 5 5 25, तो देखिए 25 से 36 हो गई, तो देखिए कितनी बढ़ गई, तो देखिए 5 और 6 5 11, और देखिए किससे बढ़ी, 25 से, यानी इससे बढ़ गए। तो देखिए 11/25 और प्रतिशत निकाल लेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 25 चौका 100 और 11 चौक 44, तो 44% वृद्धि हो गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 44% की। तो बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज की क्लास में बस इतना ही, और बच्चों इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, ओके।